ज्यादा नहीं करिए, ये सब करना अच्छी बात नहीं है। इस तरह से नहीं चलेगा, ये बिल्कुल आप ही बता दे, जैसे चले उसी तरह चलाएंगे। कौन है जो आप कह रहे हैं कि आज नहीं इसको दूसरे दिन देंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी, आतंक की बात भी सुना जाए, ये जब बात किसी भी तरह से मंजूर नहीं है। आपको अधिकार है, आप हमको जरा बताइए तो। माननीय नहीं निकालिए, माननीय मुख्यमंत्री जी आप इंटरफेयर नहीं कर सकते हैं। ना हम किसी को फंसाते हैं, ना हम किसी को बचाते हैं। अध्यक्ष महोदय, अभी आपने कहा है इसके बारे में कि इसका परसों फिर दीजिए, ये बिल्कुल नियमों के प्रतिकूल है। मैं आपको कहना चाहता हूं, मैं सुन रहा था, इसीलिए हम हाउस में आए। ये काम है सरकार का जवाब दे रहा, और मैंने ऑथराइज किया है अपनी तरफ से इनको इस बात के लिए करना। हम बैठ करके सुन रहे हैं, ये तो बता रहे हैं कि पूरी इंक्वायरी हो रही है, और जब पूरी इंक्वायरी हो रही है तो हो गया, ये हाउस का चीज है। आप जब इंक्वायरी हो रही है और ये हुआ, इसके लिए कोर्ट है, और जब इंक्वायरी होती है कोई चीज के बारे में और मामला जाता है कोर्ट में, आप हाउस में पूछ रहे, हाउस में बताया जा रहा है, और जो इंक्वायरी होती है ये काम करना पुलिस का काम है, आप इंटरफेयर नहीं कर सकते हैं। और जरा संविधान देख लीजिए, आप संविधान देख लीजिए, और देख लीजिए एक बार, जान लीजिए। मुझको तो आश्चर्य होता है, हम इतने दिनों से और फिर इस तरह की बात होती है। सारे लोगों को एक बार जानना चाहिए संविधान क्या कहता है। आप जब इंक्वायरी हो रही है, इन्वेस्टिगेशन हो रहा है कोई चीज, ये उसका अधिकार है, और अगर वो गड़बड़ करेगा, सरकार की तरफ से, डिपार्टमेंट की तरफ से गाइडलाइन यही है कि निश्चित रूप से करना। और आप जानते हैं, हर बार हम एक एक बात कहते हैं, ना हम किसी को फंसाते हैं, ना हम किसी को बचाते हैं, ये काम नहीं है सरकार का। ये बात क्यों आप लोग बार बार कर रहे हैं, इस बात को लेकर क्या चलिए गाते सर से हाउस चला रहे हैं। आज तक कभी नहीं हुआ जो इस तरह की बात होती है। मैं अपने सभी सदस्यों से भी कहूंगा, किस तरह से बार बार आप इस सवाल को पूछिएगा। माननीय मुख्यमंत्री, जब जवाब दे दिया गया, इंक्वायरी हो रही है और कहा गया है कि सारी इंक्वायरी होगी, और इंक्वायरी की रिपोर्ट से आपको मतलब है, या इंक्वायरी की रिपोर्ट कोर्ट में जाएगी, और तीन बना हुआ जगह है, तो इसको अधिकार है, हाउस को अधिकार है, आप हमको जरा बताइए तो। माननीय नहीं सिचुएशन निकालिए, माननीय मुख्यमंत्री जी, आसन की बात भी सुना जाए। तकलीफ हुई है, नहीं आसन की भी बात सुनी जाए। सुन रहा था, आप सुन लीजिए, मैं जान करके आज समय पर आकर के सुन रहा था। नहीं आसन आसन की भी बात सुनी जाए। आप एक एक बात जान लीजिए, ये जब, बात किसी भी तरह से मंजूर नहीं है। जब प्रश्नकर्ता ने प्रश्न उठाया कि कुर्की जब्ती हुआ है कि नहीं है, माननीय मुख्यमंत्री जी, जब प्रश्नकर्ता कुर्की जब्ती की बात उठाई, उन्होंने जवाब नहीं दे पाया। माननीय मंत्री जी आपको जवाब नहीं दे पाए कुर्की जब्ती पर। सुन लीजिए, रिपोर्ट हाउस में सबमिट होता है, रिपोर्ट कोर्ट में जाता है, कहीं भी क्राइम होगा, कुर्की जब्ती पर जानकारी इन्वेस्टिगेशन होगा, वो जाएगा कोर्ट में, और कोर्ट उस पर इंक्वायरी करके सजा देगी। आपका ये काम नहीं है, आप पूछ रहे हैं, जवाब दिया जा रहा है। अब आप कहिएगा इसको फिर करेंगे, इसका मतलब है संविधान का खुलेआम उल्लंघन कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी, अब सुना जाए, चलेगा इस तरह से नहीं चलेगा, ये बिल्कुल आप ही बता दे, जैसे चले उसी तरह चलाएंगे। कौन है जो आप कह रहे हैं कि आज नहीं इसको दूसरे दिन देंगे। मैं आसन से संरक्षित सदस्यों को करने के लिए करिएगा, और आपको मालूम है अभी हमने क्या कहा, 60 दिन के अंदर पूरी इंक्वायरी करो। अभी बीच में जहां जहां दिक्कत हो रही थी, SC ST की बैठक हुई, उसमें हमने क्या निर्देश दिया है, और फिर हमने डिपार्टमेंट को कहा, और डिपार्टमेंट के माध्यम से हम लोग पूरी मुस्तैदी से लगे हैं, और कहीं भी कोई क्राइम करेगा उसको किसी को बचाने नहीं देंगे हम लोग। और एक बात अच्छी तरह जान लीजिए, लेकिन इन सब चीजों को लेकर के, अपने इलाके की कोई बात को लेकर के, ये हाउस का चीज नहीं है, ये इंटरफेरेंस नहीं करना चाहिए, ये बात हम कह देते हैं, और हम तो बैठे सुन रहे थे। इसलिए आप इसके बारे में ये नहीं कह सकते हैं कि आज हो गया, आप इसके बाद फिर बताइए। अरे ये क्या बताएंगे, ये तो आपको बता ही रहे हैं। अब सुन लीजिए, अगर ये बात हुई है, मैं निश्चित रूप से आज भी पूछूंगा डिपार्टमेंट से, आज भी मैं पूछूंगा कि इतना तेजी से क्या कोई दिक्कत हुई है,
मैं इसके बारे में पूरी जांच करूंगा। आज हम कोई दे रहे हैं कि जो जवाब दिए जब इनको हम ऑथराइज किए हैं, आज हम देखेंगे। लेकिन कृपा करके इन सब चीजों के बारे में ज्यादा नहीं करिए, ये सब करना अच्छी बात नहीं है। तो इसलिए हम इतना ही कहेंगे, आग्रह करेंगे कि जो चीज जिसका अधिकार है और जो चीज जो करना है, हाउस में कुछ भी पूछ सकते हैं, हाउस में जवाब दिया जाता है। लेकिन किसी भी चीज के मामले में वो रिपोर्ट कोर्ट का नहीं है, इस हाउस का नहीं है, रिपोर्ट कोर्ट में जाता है। इसलिए इस बात को अच्छी तरह याद रखिए कि जो चीज बना हुआ है संविधान में, जो व्यवस्था है, कौन सा काम किसको करना है, वो बहुत ज्यादा निर्धारित है और उस निर्धारण के हिसाब से ही चलना चाहिए। और पहली बार हम देख रहे हैं, इतने दिनों से हमको एमएलए के रूप में भी रहने का काम मिला है और ये चौथी बार हमको यहां पर काम करने का मौका मिल रहा है, ये पहली बार हम देख रहे हैं। ऐसा तो आज तक कभी हुआ ही नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसलिए हम हाथ जोड़ करके प्रार्थना करेंगे कि अगर इसके बारे में कोई भ्रम है तो फिर बातचीत करेंगे हम लोग, और कहीं भी कोई भी डिले है किसी इन्वेस्टिगेशन में, हम सारे मामलों में आज ही हम मीटिंग बुलाएंगे और आज ही हम कहेंगे किसी चीज में कितने में तुम्हारा इन्वेस्टिगेशन में कितना समय लगा और इन्वेस्टिगेशन ससमय किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा है, सब चीजों को जरूर पूछेंगे। अभी मंत्री जी ने बता दिया किसके बारे में पूरा देखा जा रहा है और इसको किया जाएगा। इस बात को ध्यान रखिए, हाउस में हर चीज को आज नहीं फिर कल, ये हाउस का काम। अब माननीय मुख्यमंत्री जी, सदन में जब प्रश्न आया कि इस कुर्की जब्ती कब तक होगा और उसी में एक मामला इन्होंने जोड़ा जिसके कारण तीन बार सदन के अंदर सारे विधायकों ने उठकर के हंगामा किए, हमने आग्रह किया कि विशेषाधिकार कमिटी में चल रहा उस पर चर्चा नहीं होगी। मामला हुआ कि जो आयोजन करता उद्घाटन करता का आज तक अरेस्टिंग नहीं हुआ, दर्शक दीघा में बैठे लोगों को अंदर भेज के 19 दिन के बाद जेल से निकला, इस मामला को सरकार क्यों गंभीरता से नहीं ली? और आज जब हुआ कि इसे कुर्की जब्ती कितने लोगों की हुई, वही घटना में जिस घटना में सरस्वती पूजा का मामला में कि निर्दोष को ला करके खाना पूर्ति पुलिस कर दी है और दुर्भाग्य से देखिए आप एक बार सुन लिया जाए, दुर्भाग्य से माननीय मुख्यमंत्री जी ये घटना मेरे क्षेत्र से जुड़ा है, आपका गुस्सा जायज है और संविधान हमसे ज्यादा आप जानते हैं, इसमें भी दो मत नहीं है, हम लोग तो आपसे सीखते हैं, आसन तो आपसे क्या, जो वरिष्ठ लोग हैं उनसे भी सीखते हैं और सदन चल रही है सबके सहयोग से। लेकिन आपके उस जीरो टॉलरेंस का मामला, न्याय के साथ विकास का मामला, कानून का राज स्थापित करने का, ना बचाते हैं ना फंसाते हैं, तो सदन तीन बार हंगामा किया, सारे पक्ष और प्रतिपक्ष के सदस्य खड़े हुए और उन्होंने कहा कि दर्शक दीर्घा के व्यक्ति को आपने जेल भेज दिया जो कि थाना से भी जमानत मिलता है, लेकिन आयोजन करता उद्घाटन करता पर आपने कार्रवाई नहीं किया, जो पदाधिकारी वहां मौजूद था उस पर भी आपने कार्रवाई नहीं किया, पूरी मामला नहीं, ये नहीं, आसन को हतोत्साहित डिमोरलाइज करने की सिर्फ बात नहीं हो, पारदर्शिता के साथ व्यवस्था बने। और मुझे, हमको तो आप सब लोग मिलकर बैठे हैं, मैं तो आप ही की भावना को स्थापित कर रहा हूं कि कोई भी गलत करेंगे, कानून के साथ खिलवाड़ करेंगे, विधायिका को कमजोर करना चाहेंगे और प्रशासनिक अराजकता फैलाना चाहेंगे, जो मुख्यमंत्री कतई नहीं होने देंगे। और आपकी अच्छी बात है, हम चाहते हैं कि पूरी मामला को आप गंभीरता से अपने स्तर से देखवा लें। ये तो दुर्भाग्य है कि मेरे क्षेत्र से जुड़ा है और आप खुद कई बार कहे हैं कि विधायक का पूरे बिहार का कहीं के भी प्रश्न को, कहीं की भी व्यवस्था को देख सकता है। उन्होंने पूछा कि कुर्की जब्ती अभी तक नहीं हुई, आपने अभी बोला कि 60 दिन के अंदर नहीं करेगा तो कार्रवाई करेंगे, 60 दिन से ऊपर हो गया मामला, क्षेत्र जाते हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी ये सम्मान आप लोगों ने ही दिया, जाते ही लोग क्वेश्चन खड़ा कर देता है, पूछता है, आप इतने बड़े आसन पर बैठा करके और मैं एक दारोगा का, एक थाना प्रभारी का, एक डीएसपी की भी बात को नहीं रख पाता हूं, विधायिका का कई प्रश्न इस पर उठा है, आप लोगों की बैठक में यह मामला उठा है, जैसा आप कहें, जैसे कहें सदन चलाना उसी तरह से सदन चलेगी, लेकिन सरकार के संरक्षण में, सरकार के नीति के हित में ही हम लोग ये व्यवस्था बना रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री, समझते हैं कि इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, अगर इस हाउस में कोई बात आया और आपने हाउस में कमेटी में वो बना दिया है,
वो कमेटी एक एक चीज को देख करके अपना रिकमेंडेशन देगी, और निश्चित रूप से जब कमेटी का रिकमेंडेशन आ जाएगा तो उसके बाद तो सरकार देखेगी उसको कि जो कुछ भी नहीं, सुन लीजिए, अरे बता रहे हैं आपको। अब इस मामला को हम लोग यहाँ स्थगित करते हैं, आप अपने स्तर से माननीय मुख्यमंत्री जी देखेंगे, अब मुख्यमंत्री जी हैं, अब अवगत कराएंगे। अगर आप बीच बीच में बराबर बोलिएगा, बात नहीं सुनिएगा, तब हम कभी कुछ बोलेंगे ही नहीं। नहीं नहीं बोलिए, हम आपको एक बात कह रहे हैं, अगर कोई इशू हुआ है और जिसकी आप चर्चा कर रहे हैं और उसको लेकर के कमेटी बन गई, आपने उसको कमेटी नहीं मतलब उसको आपने दे दिया उसमें विशेषाधिकार समिति को, अब विशेषाधिकार समिति एक एक चीज को देखने के बाद अपनी राय व्यक्त करेगी, और जब अपनी राय व्यक्त करेगी तो हम आपको इतना करते हैं कि हम गवर्नमेंट में उस राय को फिर से विचार जरूर करेंगे और दिखवाएंगे कि एक तरफ से उन लोगों ने ये कहा और आप लोगों ने ये कहा है, फैक्ट क्या है उसको हम जरूर दिखवाएंगे, एक बात हम जरूर कहेंगे। लेकिन हाउस का काम है, वो कहेगा, रिकमेंड करेगा, उसके बाद उसको फिर से दिखवाएंगे हम, और दिखवा करके जो कुछ भी असली चीज होगा उस चीज को सामने लाया जाएगा। इसलिए इसके लिए अब कोई बात हो गई तो बात होगी, उसको रोज रोज चर्चा करने की जरूरत नहीं है, जब एक बार हाउसिंग में उसको कर रहे हैं तो उसको देख लिया जाएगा, निश्चित रूप से देख लिया जाएगा, उसके लिए कोई चिंता मत करिए, हम लोग ऐसा नहीं, और हम तो चाहते ही, हम सब दिन बोलते हैं कि हाउस में जिन लोगों को जो उचित लगे वो प्रश्न उठाइए, इस बात को रखिए, जवाब दिया जाता है तो सब चीज तो किया ही जाएगा, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन इस चीज को अकारण इसको आगे बढ़ाने की जरूरत नहीं है, जब एक बार आपने उसको दे दिया तो उसके बाद फिर अब इसको रोज रोज उसकी चर्चा करने की आवश्यकता नहीं है, इतना हम जरूर आग्रह करेंगे आपसे।